नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। महाराष्ट्र में 7 दिनों पहले राकांपा व कांग्रेस के सहयोग से बनी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के उस निर्णय को रद्द कर दिया है जिसमें आरएसएस से जुड़े एक शोध संस्थान को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई थी। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में शिवसेना अहम साझेदार थी। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि स्टाम्प शुल्क में मिली छूट को रद्द करने का निर्णय शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने बुधवार को लिया। उन्होंने बताया कि नागपुर के पुनरुत्थान शोध संस्थान ने करोल तहसील में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा भारतीय शिक्षण मंडल ने की थी। 9 सितंबर को देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली राज्य की तत्कालीन सरकार ने संस्थान को जमीन सौदे के लिए स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में भुगतान से छूट प्रदान की थी। अधिकारी ने कहा कि 105 हेक्टेयर जमीन की खरीद के लिए 1.5 करोड़ रुपए के स्टाम्प शुल्क दी गई छूट को अब रद्द कर दिया गया है। संस्थान को अब स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।